हेलो स्टूडेंट, अब ये हमारा जो है ये लाइव चैप्टर का थर्ड वीडियो है। इसमें अगर हम बात करें इसके पहले हम बात किए थे कि हम जो पढ़ेंगे इसके बाद पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर। तो फॉर्मेशन कैसे होंगे हम वो देखेंगे, किस तरीके से फॉर्मेशन होते हैं। एक आपके सामने एक पिक्चर दिखाई दे रहा है, इस पिक्चर में अगर देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे एक प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर के सामने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट यानी एक बॉटल रखा हुआ है, हम यहाँ से देख रहे हैं। हम देख रहे हैं यानी लाइट पहले क्या हुआ कि इस बॉटल पे फॉल किया, फॉल करने के बाद ये लाइट हमारी आंखों तक पहुंचा। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इमेज जो बन रहा है वो डॉटेड लाइन से बन रहा है और वो प्लेन मिरर के बिहाइंड बन रहा है। लाइट फॉल कर रहा है कहीं और से, लेकिन इमेज जो है वो टकराने के बाद ये बिहाइंड द मिरर इमेज इसका बन रहा है। तो ये हमारे प्लेन मिरर में ऐसा ही फॉर्मेशन होता है। सामने रखी वस्तु जो है हम अगर उसे मिरर में देखेंगे तो ऐसा लगता है कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो बिहाइंड द मिरर रिप्रेजेंट कर रहा है और शो कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा जो है ये फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑन अ प्लेन मिरर है। ठीक है, अब बात करते हैं अगर कि ये जो फॉर्मेशन हुआ, ये अगर फॉर्मेशन हुआ तो ये क्या क्या चीजें जो है ये शो करता है, यानी हम कह सकते हैं कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें क्या है। यानी हम कह सकते हैं कि जो प्लेन मिरर का कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या होता है। चलिए हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक इमेज पे। जैसा कि आपको फॉर्म्ड हो रहा है वहां पे, जैसा कि शो कर रहा है ऑन द स्क्रीन, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर। यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक दिए गए हैं। अब वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसके बारे में हम एक एक करके हम पढ़ते चलेंगे। ठीक है, हम एक बार इस पिक्चर को देखेंगे और फिर इसके पहले वाले पिक्चर को देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि कौन कौन चीजें जो क्या है। पहला इसमें दिया क्या है कि जो इमेज है वो कैसा बनता है, तो हम देख सकते हैं फर्स्ट में लिखा हुआ क्या, इमेज जो है वो वर्चुअल बनता है। ये जो इमेज है वो कैसा बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है। अब वर्चुअल इमेज क्या होता है, तो इस पिक्चर में अगर हम अच्छे तरीके से देखें इसको तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज हमारा बन कहाँ रहा है, वो इमेज बन रहा है यहाँ पे, और ये डॉटेड लाइन से बन रहा है और बिहाइंड द मिरर बन रहा है। इसीलिए हम इसको कहते हैं कि ये वर्चुअल इमेज है। उसके बाद क्या कहता है कि ये सेकेंड अगर पॉइंट देखें तो अपराइट है। अपराइट का मतलब होता है कि हम मिरर में देख सकते हैं कि जैसा अगर ऑब्जेक्ट होता है ठीक, वैसा ही इमेज बिल्कुल सीधा बनता है। इमेज जो भी बनेगा वो सीधा बनेगा, इसीलिए उसको अपराइट कहा गया है। थर्ड में हम देख सकते हैं लिखा हुआ सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम पीछे वाले में भी अगर देखें तो देख सकते हैं कि जैसा ये ऑब्जेक्ट है वैसा ही इमेज बन रहा है, इसीलिए ये लिखा गया है सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। फोर नंबर का अगर बात करें अगर हम, तो फोर नंबर में हम देख सकते हैं कि सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। यानी बिल्कुल उसी डिस्टेंस पे, जितने डिस्टेंस पे अगर हम पीछे देखें यहाँ पे, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी मिरर से लेके ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और मिरर से लेके इमेज का डिस्टेंस, बोथ डिस्टेंसेस आर इक्वल। ठीक है, अगला जो कैरेक्टरिस्टिक दिया है इसके बारे में थोड़ा सा हम और विस्तार से यानी कह सकते हैं इसको एक्सप्लेन करेंगे। ये लैटरली रिवर्स्ड, लैटरली रिवर्स कहते हैं या इसको हम बात करेंगे लैटरली इन्वर्टेड। तो लैटरली इन्वर्टेड के बारे में हम बात करेंगे, तो इसको हम शो करेंगे कुछ फिगर के द्वारा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके कि लैटरली इन्वर्टेड एक्चुअली में होता क्या है। जो हमारे प्लेन मिरर में लैटरली इन्वर्टेड का जो कैरेक्टरिस्टिक दिया गया है, तो व्हाट इज मीन बाय अ लैटरली इन्वर्टेड, तो इसे हम पिक्चर से शो करेंगे। चलिए हम बात करते हैं लैटरली इन्वर्टेड का। तो लैटरली इन्वर्टेड में अगर हम बात करें तो हम इस चीज को एक चीज से देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर हम गौर से देखें तो एक पर्सन जो है वो बिल्कुल मिरर के सामने खड़ा हुआ है। इसने क्या किया है कि इसने अपना एक राइट हैंड उठाया हुआ है मिरर के सामने, राइट हैंड, लेकिन मिरर में कैसा दिख रहा है, मिरर में वो लेफ्ट हैंड अपीयर हो रहा है। जबकि हो क्या रहा है, यहाँ पे राइट हैंड दिखा रहा है वो, लेकिन
मिरर में वो लेफ्ट हैंड अपीयर हो रहा है। तो लैटरली इन्वर्टेड कहने का मतलब यही होता है कि जब हम ऑब्जेक्ट को प्लेन मिरर के सामने रखते हैं, यानी व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन द फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, देन द राइट साइड ऑफ अ ऑब्जेक्ट अपीयर टू बिकम अ लेफ्ट साइड ऑफ अ इमेज, एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर टू बिकम अ राइट साइड of the object, and the change of the side of an object and its mirror image is called a lateral inversion. Yani right side appear as a left side and left side appear as a right side, that is called a laterally inverted and laterally inversion. This characteristic is also called a laterally inversion, and this is so the plane mirror, this property is so in the plane mirror. Aur is characteristic ki madad se अगर हम बात करें तो एक पिक्चर देखेंगे, इस एम्बुलेंस का पिक्चर। इस एम्बुलेंस के पिक्चर में ये क्या दिखाया गया है कि एम्बुलेंस पे जो लिखा गया है, यहाँ पे ये जो यहाँ पे लिखा गया है, ये लिखा गया है लैटरली इन्वर्टेड। इसलिए लिखा गया है ताकि ये हमारे मिरर में, यानी जो साइड मिरर होता है, ठीक है, साइड मिरर हो या ड्राइवर के सीट के सामने का जो मिरर है, इस पे भी वो चीज़ें क्या होती हैं, बिल्कुल सही सही, यानी कह सकते हैं कि बिल्कुल सीधे जो है वो मिरर पे दिखाई देती है। इसलिए वो बिल्कुल लिखा इसलिए ही जाता है एम्बुलेंस पे, लैटरली इन्वर्टेड इसीलिए लिखा जाता है ताकि हम उस चीज को मिरर पे बहुत ही अच्छे तरीके से हम देख पाए। ठीक है, एक बार फिर से हम देख लेते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला है वर्चुअल, सेकेंड अपराइट। ये कैरेक्टरिस्टिक्स किसका है? ये कैरेक्टरिस्टिक्स है इमेज फॉर्मेशन, कहाँ पे? ऑन अ प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर में ये जो फॉर्मेशन हम देख रहे हैं, तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बनेंगे वो दिखा रहा है। वर्चुअल बनेगा इमेज, इमेज अपराइट बनेगा मतलब सीधा बनेगा, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन द फ्रंट ऑफ द मिरर, एंड लास्टली लैटरली इन्वर्टेड और लैटरली रिवर्स्ड, जो कि हम इसके पहले जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे, ठीक है, अब हम जो बात करेंगे वो अब हम आगे बात करते हैं यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का यूज क्या बनता है? तो प्लेन मिरर का यूज अगर हम देखें, अगर तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं। पहला देखते हैं, मिरर आर यूज इन अ पेरिस्कोप एंड अ कैलिडोस्कोप। कैलिडोस्कोप के बारे में क्लास 7 में दिया गया है, ठीक है। पेरिस्कोप भी आपको मालूम होगा, ठीक है, उसमें पेरिस्कोप जो होता है वो सबमरीन में लगाए जाते हैं, ठीक है। मिरर्स का जो अगला यूज दिया है वो ऑटोमोबाइल्स में यूज होता है, यानी गाड़ियों में यूज होते हैं। या इट इज यूज इन टॉर्च लाइट, इट मेन यूज इन सेविंग मिरर, इट इज ऑल्सो यूज बाई डेंटिस्ट, मिरर यूज इन अ सोलर कुकर, एंड यूजेज ऑफ प्लेन मिरर फॉर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। तो ये कुछ यहाँ पे आपके दिए गए हैं, ठीक है, ये जो है आपके कुछ प्लेन मिरर के यूज दिए गए हैं, ठीक है। अब हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे अगले वीडियो में, बात करेंगे जो इसे का मेन टॉपिक्स के हैं, ठीक है, वो आपका है स्फेरिकल मिरर, ठीक है। स्फेरिकल मिरर के ऊपर हम अगली बार बात करेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में।